रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में मानसून में जनता दरबार आयोजित किया गया। वहीं आयोजित बहुउद्देश्यीय शिविर जनता दरबार में विभिन्न समस्याओं के निस्तारण को लेकर फरियादियों ने प्रार्थना पत्र दिए। शिविर में कुल 52 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें 15 शिकायतों का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों का यथाशीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि विकास खंड ऊखी मठ के मनसूना में आयोजित जनता दरबार के दौरान नगर पंचायत ऊखी मठ अध्यक्ष ने ओंकारेश्वर मंदिर के समीप क्षेत्र में भू धसाओं के चलते क्षतिग्रस्त होने पर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की। इसके साथ ही जनता दरबार में पैदल मार्ग बनवाने, प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त शिक्षक की भर्ती, गाँव में जलापूर्ति की भी शिकायतें दर्ज की हैं। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। आज मनसूना में उखीमठ ब्लॉक में बहुउद्देश्यीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीबन 50 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई या फिर ऐसी कुछ मांगें थी यहाँ के लोकल ग्रामीणों की, आदि सड़क से रिलेटेड हैं, सिंचाई से रिलेटेड हैं, शिक्षा स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड, जिसमें उच्च कार्रवाई के लिए सभी विभागों को निर्देशित किया गया है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर स्वयं सहायता समूह या अन्य विभागों द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उसकी भी एक प्रदर्शनी लगाई गई है। निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में काफ़ी स्कोप है, यहाँ पर हॉर्टिकल्चर का, टूरिज्म